अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर आप अपने ही कंट्री में अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको जो है कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखता है, अगर आप ट्रेन में जाते हैं या प्लेन में जाते हैं तो। अगर इस सिचुएशन में अगर आप जो है अदर कंट्री में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आपके पास जो है कोरोना वैक्सीन का डबल डोज का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आपको जो है अदर कंट्री में जाने दिया जाता है। अगर आप आधार कार्ड से कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लिए हुए हैं और आपके पास पासपोर्ट है और आप चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन में पासपोर्ट लिंक हो, तो मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप आधार कार्ड से या कोई भी आईडी से आप जो है कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं और आपके पास जो पासपोर्ट है और आप चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन में पासपोर्ट लिंक हो जाए, ऐड हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे घर बैठे, मैं आपको इस वीडियो में वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। स्वागत, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है आपको, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा बिना इधर उधर कहीं पे रुका हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट से जो है आप कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जो है कोरोना वैक्सीन में पासपोर्ट ऐड हो जाए, लिंक हो जाए, तो वो आप खुद से घर बैठे कैसे करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान वाले के पास जाके, साइबर कैफे में जाके लंबी लंबी लाइन लगा के पैसे खर्च करके आप जो है पासपोर्ट को कोरोना वैक्सीन में ऐड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से ही मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे कोरोना वैक्सीन में पासपोर्ट को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे लिंक किया जाता है। और बिना आप जो है पासपोर्ट ऐड किए कोई भी अदर कंट्री में आप जा नहीं सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कोरोना वैक्सीन में किस तरीके से पासपोर्ट को कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिंक करेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने कोरोना वैक्सीन में पासपोर्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपको टाइपिंग करना है cowin.gov.in, तो आपके सामने में ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए रजिस्टर एंड साइन इन है, आपको इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर एंड साइन इन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट से मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और गेट OTP पर क्लिक करता हूँ। गेट OTP पर क्लिक करते ही आपके जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP गया हुआ, वो OTP क्या करना है आपको यहाँ पे डाल देना। OTP डाल यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी वैक्सीन लिए रहिएगा वो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज जो है ओपन होके आ जाएगा और आप एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पर्सन जो है यहाँ पर जो है पासपोर्ट से लिया हुआ है, अगर आप आधार कार्ड से लिए रहेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड शो होगा। और नीचे देखिए ये भी पर्सन जो है यहाँ पर आधार पासपोर्ट से लिया हुआ है तो यहाँ पर पासपोर्ट शो हो रहा है। अगर आप आधार कार्ड से लेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड शो होगा, या पैन कार्ड से लेंगे या वोटर आईडी से लेंगे या आप जिस कार्ड से भी लेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप आधार कार्ड से लिए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि पासपोर्ट ऐड करें, लिंक करें, तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि मेंबर ऐड करें तो आप जो है एक मोबाइल नंबर में 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप यहाँ पर 2 है तो 2 और ऐड कर सकते हैं। आप जो है आधार कार्ड से लिए हुए हैं या कोई भी आईडी से लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि पासपोर्ट ऐड हो, इस तरीके से आ जाए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा होगा, ट्रैक रिक्वेस्ट, आपको यहाँ बगल में एक ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा होगा राइस एंड इशू, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा होगा ऐड पासपोर्ट डिटेल्स
टू माई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एड पासपोर्ट डिटेल, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैं पहले बताया हूँ कि आप एक मोबाइल नंबर से आप 4 मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका भी आप आधार कार्ड में पासपोर्ट लिंक करना चाहते हैं वो मेंबर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से मेरे में 2 है तो यहाँ पे 2 दिखलाई दे रहा है। अगर आप 4 करते हैं 3 करते हैं तो वो नीचे आप वो सारा पर्सन को दिखलाई देगा। तो जिसका भी जो है पासपोर्ट लिंक करना है उस पर्सन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जो है इस कैलेंडर में जाना है और यहाँ से जो है आपको ईयर चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मंथ मिल जाता है, ठीक है, मंथ और डेट आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो उस पर्सन का पासपोर्ट नंबर डाल देना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आई डी से वैक्सीनेशन लिए हुए हैं तो वह हट के आपको पासपोर्ट एड हो जाएगा। बस ये और ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस यही आपको काम करना है और बहुत ही सिंपल तरीका से जो है आपको एड हो जाएगा, पासपोर्ट लिंक हो जाएगा। पासपोर्ट अगर आप आधार कार्ड से लिए हुए हैं, वोटर आईडी से लिए हुए हैं, पैन कार्ड से लिए हुए हैं तो आप जो है पासपोर्ट को यहां से लिंक कर सकते हैं, यहां से जोड़ सकते हैं, यहां से उसको जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे देख आइएगा। देख आने के बाद क्या करना है, आपको यहां पे जो है आधार कार्ड लिखा रहेगा तो यहां पे पासपोर्ट लिखा जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए यहां पे लिखा हुआ है सो सर्टिफिकेट, आपको इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहां पे देखिए आ रहा है सर्टिफिकेट, आपको यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। अब चाहते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से जो है इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप आधार कार्ड से लिए रहिएगा तो आपको यहां पे लिखा के आ जाएगा पासपोर्ट। बस गाइस ये ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही ईजी तरीका से घर बैठे बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना पैसा खर्च किए आप मोबाइल से ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप दोनों तरीका से आप जो है घर बैठे अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप जो है पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना पैसा खर्च किए। सो गाइस आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा किस तरीका से अपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में पासपोर्ट कैसे ऐड किया जाता है, कैसे लिंक किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।